इस वर्ष कोरोना के 2 वर्ष बाद बहुत उत्साह के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। इन 10 दिनों में गणेशोत्सव मनाने के लिए अपने पैतृक गांव जाने वालों की संख्या अधिक होती है, इसलिए पुणे मुंबई जाने वाली और नागपुर लौटने वाली ट्रेनें फिलहाल फुल है और सभी ट्रेनों में वेटिंग है। विदर्भ के नागरिक रोजगार के लिए बड़ी संख्या में पुणे मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में रह रहे हैं। इस साल जहां हर जगह गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक गांव लौट जाते हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। इसी तरह पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई के गणेश और मुंबई में लालबाग के राजा सहित अन्य सम्मानित गणेश है, इसलिए यहाँ गणेशोत्सव देखने जाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए इस गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान पुणे मुंबई की ट्रेनें खचाखच भरी रहती है। लगभग सभी ट्रेनों में प्रतीक्षारत होने के कारण यात्रियों को रेलवे के अलावा अन्य साधनों पर विचार करना पड़ रहा है। ट्रेन में वेटिंग के चलते कई यात्री ट्रैवल्स को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में ये ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए उम्मीद की किरण है, इसलिए त्योहार के दिनों को देखते हुए वाहन चालकों ने भी अपने किराए में इजाफा कर दिया है। ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां यात्रा का किराया अधिक होता है, इसलिए आम यात्री रेलवे को तरजीह देता है। हालांकि इंतजार के चलते पुरुषों को जनरल कंपार्टमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।